देखिए, एक एक तो अच्छी बात है कि ये कंसेंसस जो एक डेवलप हो रहा है, जो मेरे ख्याल सारे स्टेक होल्डर्स को एक अच्छे पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि पाकिस्तान में फॉर द लास्ट कुछ महीनों से हम ये देखें कि इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल कन्वर्जेंस जो है ना, वो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो आज इलेक्शन कमीशन एक प्रेसिडेंट साहब के साथ मशावरत करके और एक ऐसे डेट की तरफ आते हैं जिस पे पूरी कौम भी इत्तेफाक करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करेंगे, तो नथिंग लाइक इट। मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन सबके लिए होगा और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इसके अंदर एक पॉजिटिव इसका आउटकम भी आए इंशाल्लाह। सर, आप नून लीग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बाप पार्टी से काफ़ी लोग जो हैं वो नून लीग में रात को उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, तो आपका क्या स्टेटस है? नहीं, आप भी किसी और पार्टी का नाम भी नहीं लिया। देखिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहा 2013 से 18 तक। फिर कुछ बलूचिस्तान की डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आए। हालिया में फॉर द लास्ट, क्योंकि मेरी पार्टी का बेस मैंने रखा था, मेरे साथ बहुत सारे और दोस्त भी थे जो आज भी हैं, तो हम सब ने मिल के बलूचिस्तान अवामी पार्टी इन्वेस्ट की, उसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा। लेकिन फॉर द लास्ट 2 साल से चीज़ें बड़ी ख़राब होती गई, पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और जिनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल पाई और नहीं चल पा रही हैं। फेडरेटेंट की सियासत करते हैं, यकीनी तौर पे हमारा रोल हमेशा से पॉलिटिक्स में रहा है और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपना पॉलिटिकल रोल रखें। अब ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि जहाँ दोस्त भी इस मशरे में हमें मुझसे भी कह रहे हैं कि जी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखना चाहिए जहाँ पे कम से कम हम चीज़ों को बलूचिस्तान के लिए आगे ले जाएँ। मेरा अपना इंटरेस्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान की किसी ऐसी जमात से ज़रूर होने जाएगा जो बलूचिस्तान के लिए कम से कम एक पॉजिटिव और एक बड़ा स्ट्रेंथ लेगी, चीज़ों को आगे ले जाए। पहले भी हमारा नैरेटिव था, अब तो और ज़्यादा है कि पाकिस्तान की, देखें जो भी रेस्क्यू प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसकी इकोनॉमी को जो बाहर चीज़ निकालेगी, अल्लाह की ज़ात निकालेगी, मेहनत निकालेगी, और फिर बलूचिस्तान के अंदर वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और गवर्नेंस मेथडोलॉजी में अगर आप आगे ले जाना चाहेंगे तो बेनिफिशरी बलूचिस्तानी बनेगा और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी भी बनेगी। उस लिहाज से बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरी मीटिंग्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हुई हैं। कुर्बत हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हमेशा से ज़्यादा रही है, दादा के टाइम से, वालिद साहब भी थे। तो देखें आगे क्या होगा, क्या फैसला होगा इंशाल्लाह।